असलम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल सो द डे थर्ड ऑफ सेकेंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया इज फुल ऑन कमांडिंग पोजिशन दे हैव डिस्ट्रॉयड इंग्लैंड बैटिंग एट दिय होम ग्राउंड और ऑलिज बॉलर्स हैव डन इन स्पलेंडेड जॉब के इंग्लैंड ने क्रम्बल किया और जस्ट फिफ्टी सेवन रन के इजाफे से उनकी छः विकेट्स गिर गए एंड एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट दियर सेकेंड इनिंग विद द लीड ऑफ नाइन्टी वन रन और राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया आर हंड्रेड थर्टी टू वार्नर और मानिस अम्बिशन आउट हो चुके हैं और खाजा खाजम फिफ्टी एट रन और स्टीव स्मिथ विद सिक्स रन आर ऑन ट्रीज और अगर उसकी बॉलिंग की भी बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग की तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग थी कोई पेस नहीं है कोई सीम नहीं है कोई स्विंग नहीं है आई डोंट नो वट हैव गॉन रॉन्ग विद इंग्लैंड सॉरी बॉलर्स और बहुत ही इनडिसप्लिन भी है बॉलिंग राइट एरियाज पे तो ये बॉल डाल भी नहीं रहे और नो बॉल्स और वाइड्स ये भी बहुत हो रही हैं फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने थर्टी एट एक्स्ट्रा लिए थे और uh, जिसमें ट्वेल्व नो no बॉल्स शामिल थी और इस इनिंग में अभी तक वो ग्यारह एक्स्ट्रा दे चुके हैं बट अभी तक कोई नो बॉल नहीं हुई लास्ट मैच भी जो इंग्लैंड को कॉस्ट किया था उसमें यही प्रॉब्लम थी कि इंग्लैंड की मिसफील्डिंग्स थी कैच ड्रॉप्स थे और बैड कीपिंग थी और नो बॉल्स भी एक मेन रीज़न थे इंग्लैंड की हार के और अभी भी फर्स्ट इनिंग में तो इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए ही थे और फर्स्ट इनिंग में उन्होंने एक्स्ट्राज भी ट्वेल्व नो बॉल्स करवाई हैं थर्टी एट एक्स्ट्राज दिए हैं और अभी इस इनिंग में भी अभी तक कोई ग्यारह दे चुके हैं बट थैंक्स टू दिए बॉलर्स के अभी तक कोई नो बॉल नहीं हुई है और इंग्लैंड के जो बॉलर्स ने बहुत ही ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया नहायत ही ऑर्डनेरी बॉलिंग थी विद सो मच इनडिसप्लिन तो और जैक लीज भी मुझे लगता है जैक लीज की कमी भी इंग्लैंड को बहुत ही शिद्दत से महसूस हो रही है बिकॉज़ यहाँ पे इस पिच पे ब्रेक भी मिल रहा है स्पिनर्स को तो अगर जैक लीच होते तो इंग्लैंड के लिए अच्छा होता बट आई डोंट नो स्टूव बॉर्ड और जिमी एंडरसन क्यों इतने आउट ऑफ कलर हैं और यही मेन वजह है कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही uh, है कि शेल में चली गई है ऑस्ट्रेलिया फुली डोमिनेट कर रहा है और इंग्लैंड बैटर्स की भी अगर बात करें तो सब उल्टे सीधे शॉट्स खेल के ही आउट हुए हैं दे वर नॉट ऑन स्पॉट और क्लूलेस भी लगे मुझे या जो अपनी बस बॉल अप्रोच के जो धुन इनके सर पे सवार है उस वही धुन में थे ये लोग आई डोंट नो चलो जब आपने एक अप्रोच ले ली है इट्स गुड चलो बस बॉल की लेकिन जब आपकी जो टीम है वो मुश्किल में है विकेट्स आर फॉलिंग तो फिर तो आई थिंक इंग्लैंड टीम को बेसिक्स पे आ जाना चाहिए और तरीके से जो टेस्ट क्रिकेट है एक्चुअल वो खेल ले अगर वो खेल लेते तो इतना ज़्यादा क्रम्बल नहीं करते ये लोग बट uh, वही बस बॉल अप्रोच जो इनके माइंड में है वही उसी हिसाब से उन्होंने खेला और आई uh, थिंक अगर वो बेसिक्स पे आ जाते तो बेसिक कैन नेवर बी गो रॉन्ग तो ज़्यादा बेहतर होता उनके लिए खैर फिर भी इंग्लैंड की इस टीम को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज यू नेवर नो अबाउट देम दे कैन डू एवरी थिंग एट एनी टाइम और चाहे ऑस्ट्रेलिया जितना भी टारगेट दे जितना भी बड़ा टारगेट दे आई थिंक इंग्लैंड टीम उसे चेस करने ही जाएगी और जो उनकी अप्रोच है उस हिसाब से मुझे लगता है कि चाहे जितना भी ऑस्ट्रेलिया टारगेट दे और ऑस्ट्रेलिया को भी कल ज़्यादा टाइम अगर ऑस्ट्रेलिया लेगा बिकॉज uh, कल फोर डे है अगर ज़्यादा टाइम देगा तो फिर मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा सा ब्लंट डिसीजन लेना है थोड़ा सा एग्रेसिव लेना है डिसीजन तो कल ऑस्ट्रेलिया को फास्ट खेल के फिर डिक्लेरेशन देनी चाहिए थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फिफ्टी प्लस रनस के बाद uh, तो uh, मेरे ख्याल से मैच अच्छा बन जाएगा बिकॉज इंग्लैंड को जितना भी टाइम मिले डेढ़ दिन का टाइम मिले या सवा दिन का टाइम मिले आई थिंक और जितना भी बड़ा टारगेट हो आई थिंक वो चेस के लिए ही जाएंगे और मैच इंटरेस्टिंग होगा सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल देन अल्लाह हाफिज